हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हो क्रेजी स्टडी। अभी आज का पेपर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया है, तो देख लीजिए जल्दी से आया है। पहले हम इसके आपको दिखाएंगे कितना अटेम्प्ट गया है, इसका लेवल कैसा था, क्वेश्चन लेवल कैसा था। देखिए मैथ्स जो है, मैथ्स पार्ट से आपका टोटल मार्क्स है 25, रीजनिंग से 30 और जनरल अवेयरनेस और आपका करंट अफेयर जो है अवेयरनेस से आपका 25 और करंट अफेयर 20। ठीक है, मैथ्स से जो है उसके गुड अटेम्प्ट गया है 14 to 19, जिसका लेवल था इजी टू मॉडरेट। ठीक है, और 30 से आपका गुड अटेम्प्ट कितना गया है रीजनिंग में, 17 to 22। ठीक है, जो कि इजी लेवल का पूछा गया है। और आपका जनरल अवेयरनेस जीएस से आपका जो है 25 से गुड अटेम्प्ट गया है 13 to 18, जो कि मॉडरेट लेवल का है। और करंट अफेयर जो है उसमें से 20 में से गुड अटेम्प्ट गया है 14 to 15, जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का है। तो टोटल 100 में से आपका गुड अटेम्प्ट गया है आज का 63 to 70। ठीक है, टोटल पेपर का हम बता रहे हैं, सेकंड शिफ्ट का पेपर का गुड अटेम्प्ट गया है 63 to 70, जो कि ओवरऑल लेवल हम बता सकते हैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। देखिए मैथ्स का हम टॉपिक बताएंगे आपको, टॉपिक जो था SICI कंटिन्यूअसली हम आपको बताए जा रहे हैं, आप नोटिस करते रहिए, जो कि आपका ही फायदा होगा। देखिए SICI जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से दो क्वेश्चन आया है, जिसमें जिसका लेवल था मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, दो क्वेश्चन आए। ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 से 4 क्वेश्चन है, जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का है। एवरेज जो है 1 क्वेश्चन इजी, एज है 1 क्वेश्चन इजी, DI है 2 क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, और इस और आपका जो है स्पीड एंड डिस्टेंस जो है इसका 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इजी लेवल का है। परसेंटेज जो है 2 क्वेश्चन, ये भी इजी टू मॉडरेट लेवल का है। पाइप एंड सिस्टम से 1 ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो मॉडरेट इजी टू मॉडरेट लेवल का है। जियोमेट्री से 1 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट। टाइम वर्क से भी 1 क्वेश्चन इजी, एकदम इजी है। और प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट 2 में। ठीक है, जो कि मॉडरेट। और देखिए रीजनिंग, रीजनिंग का टॉपिक देखिए, सिलॉक से आपका सेकेंड सेट में सिलॉक से कितना क्वेश्चन आया था, 4 से 5 क्वेश्चन आया है। लेवल है इसका इजी टू मॉडरेट। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सिलॉक से बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेन डायग्राम जो है उसमें से 3 क्वेश्चन आया है, जो कि इजी लेवल का है। और कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है उसमें से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका लेवल है इजी। और मिरर इमेज जो है 1 क्वेश्चन इजी, ऑड वन आउट से 4 क्वेश्चन। ठीक है, सारा शेप में ऑड वन आउट से 4 क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, जो कि इजी लेवल का है। कोडिंग डिकोडिंग जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका लेवल है इजी टू मॉडरेट है। एनालॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एनालॉजी अच्छे से देख लीजिए, 6 से 7 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनालॉजी और ऑड वन आउट ये सबसे जो कि इजी है एकदम। और सीरीज जो है 2 क्वेश्चन है, एक ही इजी लेवल का है। डायरेक्शन जो है 2 क्वेश्चन इजी लेवल का है। कैलेंडर जो है 2 क्वेश्चन इजी लेवल का है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल का है। काउंटिंग फिगर से 1 ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इजी लेवल का है। और जीएस जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसका फिजिक्स से पूछा गया है 8 से 11 क्वेश्चन, जो कि इजी लेवल का है। और केमिस्ट्री से 7 से 8 क्वेश्चन, जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का है। बायोलॉजी से 7 से 11 क्वेश्चन, जो कि इजी लेवल का है। ठीक है, तो ओवरऑल जीएस का क्वेश्चन आपका इजी था। देख लीजिए हम आपको कुछ बताएंगे, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। व्हिच वन इज अ नोबेल गैस। ठीक है, नोबेल गैस, ज़ेनन, क्रिप्टन, ये सब जानते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ था, क्रिप्टन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऐसा था। तो क्रिप्टन इसका आंसर है, नोबेल गैस। व्हिच पार्ट ऑफ आवर आईज लेट्स द लाइट इनसाइड इट। ठीक है, कौन सा पार्ट आईज का लेट्स द लाइट इनसाइड इट, लाइट को इनसाइड करते हैं, कौन सा पार्ट, कॉर्निया। ठीक है, Which period has 8 elements in periodic table? Periodic table में कौन सा period में, ठीक है, first, second, third ऐसा option था, इसमें 8 elements कौन सा period में होता है, second period में। और formula based question था, kinetic energy का formula क्या है, ½mv2। ये बहुत बड़ा repeat हो रहा है, kinetic का formula, kinetic energy का formula। अब देखिए next, how is the light in सन क्रिएटेड। ठीक है, सन में जो लाइट है वो कैसे क्रिएट होता है, बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा, जो कि इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर से क्वेश्चन था, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, Na फॉर सोडियम, HCO3 कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट।
उसका नाम है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन? ठीक है, प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C3H8। नेक्स्ट देखिए, हु इज द डायरेक्टर ऑफ हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम का डायरेक्टर कौन है? साकेत चौधरी। ठीक है, हिंदी मीडियम बहुत अच्छे फिल्म था। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, मूवी से रिलेटेड मूवी का डायरेक्टर पूछा जा रहा है सारा शिफ्ट में, एक एक मूवी का। तो आप ये जल्दी से अपडेटेड हो जाइए, देख लीजिए एक बार। हु इज द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मिनिस्टर कौन है? मनेका संजय गांधी, बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, तो देख लीजिए। हु ओन रैपिड चेस टूर्नामेंट? ठीक है, रैपिड चेस टूर्नामेंट कौन जीता है? विश्वनाथन आनंद। हु ओन द 2017 कबड्डी चैंपियनशिप? एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2017 कौन जीते है? अजय ठाकुर। ठीक है, हु इज द सीईओ ऑफ एडोब? एडोब का सीईओ, तो ये भी नोटिस कीजिए आप, सीईओ भी आ रहा है। नोकिया का कभी पूछा जा रहा है, कभी सैमसंग का, कभी एडोब का, तो सारा चीज का देख लीजिएगा। ठीक है, तो एडोब का कौन है? शांतनु नारायण। ठीक है, शांतनु नारायण जो है वो एडोब का सीईओ है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ मुगल सराय? मुगल सराय जो है उसका न्यू नेम अभी क्या है? दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है, वो जंक्शन का नेम चेंज होकर क्या हुआ है? दीन दयाल उपाध्याय। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज स्कैर्सिटी ऑफ रेन ऑकर इन मुंबई? मुंबई में रेन का स्कैर्सिटी जो था क्यों होता है? हेवी रेन्स की वजह से। हु ओन ज्ञानपीठ अवार्ड 2017? 2017 का ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? हिंदी राइटर कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती हिंदी राइटर थे, उनको मिला है ज्ञानपीठ अवार्ड। व्हिच मिशन वाज लॉन्च फॉर हेल्थ सेफ्टी इन केरला? कौन सा मिशन लॉन्च हुआ है केरला का हेल्थ सेफ्टी के लिए? NKKP। ठीक है, नव केरलम कर्मा पद्धति, नव केरलम कर्मा पद्धति। व्हाट वाज रैंक ऑफ इंडियन क्रिकेट इन फेब्रुअरी 2018? अभी रिसेंट 2018 का फेब्रुअरी में इंडिया का क्रिकेट में क्या मतलब कितना नंबर रैंक था? आईसीसी इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ODI, ODI में सेकंड था, सेकंड रैंक था, और आईसीसी T20 में भी सेकंड रैंक था। ठीक है, नॉर्मल ओवरऑल आईसीसी बोलेंगे तो उसमें फर्स्ट रैंक में है इंडिया, लेकिन ODI और T20 जो है दोनों में इंडिया का रैंक है सेकंड रैंक। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्रोटिया? क्रोटिया जो है उसका कैपिटल क्या है? जगरेब। ठीक है, और देखिए, व्हेन वाज KISG स्टार्टेड? KISG का फुल फॉर्म क्या है? खेलो इंडिया स्कूल गेम। ठीक है, खेलो इंडिया स्कूल गेम व्हेन वाज स्टार्टेड? 31 जनवरी 2018। नेक्स्ट देखिए, मैथ्स का कुछ क्वेश्चन था इस टाइप का, एक बार देख लीजिए आप। 16 to 56, 32 इसमें कितना होगा? फिर देखिए, इफ ए इज टू बी इक्वल्स टू 5 is to 7 एंड बी इज टू सी इक्वल्स टू 8 is to 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इज टू सी। नॉर्मल क्वेश्चन है। फाइंड द साइड ऑफ द रॉम्बोस। अब जियोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आपका आ ही रहा है बहुत। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज गिवन एंड रेडियस इज नोन, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिए आप। हम आपको जनरली GK का क्वेश्चन बताने वाले हैं। अब देखिए, रीजनिंग, रीजनिंग से भी कौन किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है? ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है। व्हिच डे विल बी 5th फेब 2019? इफ 5th फेब 2018 इज मंडे। ठीक है, ये आपका कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहा है। फाइंड द ऑड वन आउट, नाइफ ब्लेड एज फर्नीचर। नाइफ ब्लेड एज एक सेट में है फर्नीचर, ये ऑड हो गया। 2K4M6O, तो इसका सीरीज कंप्लीट करने के लिए 2, 4, 6, then 8 होगा, देन KLMNOP होगा, वो भी क्यू होगा, सॉरी क्यू होगा। ठीक है, 8Q होगा। एज बेस्ड क्वेश्चन भी आया है। वेन डायग्राम, टीचर प्लेयर एक्टर, इस टाइप का वेन डायग्राम देख लीजिएगा। वाटर इमेज का क्वेश्चन आया है। ठीक है, फिर हम थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हमको जब भी पता चलेगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, और GS जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसका फिजिक्स से पूछा गया है 8 से 11 क्वेश्चन, जो कि इजी लेवल का है, और केमिस्ट्री से